दोस्तों हमारी ओला चल चुकी है 5006 किलोमीटर और आज आपको बिल्कुल ओनरशिप रियल रिव्यू देंगे क्योंकि यह है दोस्तों मेरी ओला S1 Pro Gen 2 और इसको हो चुके हैं आज करीब करीब 200 मतलब कई महीने हो चुके लिए हुए। और मेरा इसके खिलाफ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे पास पहले ये जुपिटर थे, देख सकते हैं आप नंबर भी सर्च कर सकते हैं UP14EL1541 दत्त के नाम से आएगा और ये भी दत्त के नाम से है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप सर्च कर लेना क्योंकि मैं जो है रियलिटी दिखाता हूँ। देखो अभी इसमें लिखा हुआ आ जाएगा साफ साफ, ये देख सकते हो हेलो सीधो। अब दोस्तों मैं इसको 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मेरी जो जुपिटर है यहाँ पे 14999 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका एक्सपीरियंस क्या रहा इसके खिलाफ, मतलब ये बीच में क्या इसने कभी धोखा दिया मुझको या मैं कितनी बार सर्विस सेंटर पे इसको लेकर के गया और इसको चलाने में क्या कंफर्ट फील होता है, क्या इसने मुझे कभी ऐसा धोखा दिया कि मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि मैंने 1.5-2 लाख रुपए मेरा मतलब खर्च हुआ और मुझे मतलब गंदा सा फील हुआ, मतलब मेरे वेस्ट तो नहीं गया और मैंने 80,000 रुपए की पहले जुपिटर ली थी, क्या मुझे ये बेटर लगा। चलिए बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मेरी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जब से मैंने ली इसके अंदर कमियाँ क्या क्या आई हैं। सबसे पहले आ जाइए देखिए, ये जो आप टच स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये दोस्तों कभी भी हैंग हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मुझे इसने मैं मतलब हैंग तो ही लेकिन मुझे इसने दुख नहीं दिया। दुख का मतलब होता है जैसे आप बीच में कहीं चलते चलते एकदम से बंद हो जाए तो वो दुख वाली बात होती है। अब जैसे कहीं खड़ी है आप ले जाने की सोच रहे हो और जब थोड़ा बहुत हैंग हो गई तो भाई मैं ये लाल बटन और ये आर वाला बटन इससे रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ये मेरी हैंग की जो प्रॉब्लम है या ना चलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये लगी जब यहाँ पे कहीं भी मैं गीला कपड़ा मार देता हूँ ना, ये एक बार स्क्रीन चलनी बंद हो जाती है। एक बार मैं फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ, फिर इसके अंदर चाहे कितने पानी गेर लो कितने रगड़ लो कुछ नहीं होता, डिस्प्ले चलती रहती है। तो मतलब रिस्टार्ट करने से जो इसके इश्यू है जो वो ठीक हो जाते हैं। एक बार इसका क्या था कि दोस्तों इसके अंदर मतलब स्क्रीन तो मतलब अंदर तो चल रही थी लेकिन इसकी ब्राइटनेस नहीं दिख रही थी, उसमें भी मैंने रिस्टार्ट किया ठीक हो गई। मतलब मैडम मुझे अच्छा सा लगा कि मैं सर्च सेंटर पे नहीं जाना हुआ और मेरे ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ, दूसरी कमी बताता हूँ, कमी तो अभी आई है, ये देख रहे हैं ना ये क्या है, ये चेन कवर है, चेन कवर कह सकते हैं या पट्टा कवर या भाई बेल्ट कवर बोल सकते, बेल्ट कवर है। इसमें हल्का सा एक बच्चा है जाके हिट भी कर देगा ना ऐसे तो भाई ये गिर जाता था टूट के। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा फील लगता था, मतलब यार 1.5-2 लाख रुपए की स्कूटी खर्च की, मतलब पैसा खर्च किया और कंपनी मतलब इतना चीपेस्ट माल लगा के दे रही है, मतलब अच्छा सा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया भाई, 2 बार कंपनी में गया, उन्होंने बदल के दे दिया, हालांकि सर्विस अच्छी लगी। बहुत से बोलते हैं ओला की सर्विस बेकार है, काम नहीं करके देते, स्कूटी खड़ी रखते हैं, छोटे मोटे मुझे जो भी काम लगे और मैंने काम लगे जल्दी करके दे दिया है, बाकी और के एरिया में क्या वो चीज़ छोड़ो। फिर मैं क्या हुआ, 2 बार गया भाई, फिर बच्चे ने एक बार हिट किया, एक बार पत्थर ने हिट कर दिया था, मुझे अच्छा लगा फिर टूट गया। मैंने क्या किया भाई, एक तो एलन का पेच लगाया था, आप देख सकते हैं ये एलन, ये मैंने पेच भाई 2 होल करके नए लगवा लिए, तो बस जब से मेरा ये मजबूत हो गया, देखो ये देखो एकदम मजबूत मजबूत काम हो गया। उसके बाद भाई यहाँ आ जाओ, देखो एक मुझे ये कंपनी के मतलब ओला के स्कूटी में ये चीज़ अच्छी लगा, मतलब थोड़ा सा चीपेस्ट क्वालिटी का, वैसे तो हैवी मटेरियल है ये लेकिन ये थोड़ा बजता है, चलो इनका का तो ठीक है, देखो जहाँ रुक रहा है वहाँ रुक जा रहा है। इधर आ जाओ, बिल्कुल भाई दिखा रहा हूँ सच्चाई, दिखा रहा हूँ सच्चाई ओला की, ठीक है। ये देखो भाई, मतलब ये या तो लोग टूट गया हो मुझसे या जैसे भी है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा देना चाहिए था, जैसे कि देखो मैं जुपिटर में था थोड़ा सा ये, हाँ हालांकि इससे ज़्यादा चल चुकी है लेकिन ये प्लास्टिक का है लेकिन ये मेटल का, ये चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है और कहीं ना कहीं ये बॉडी में ऐसा फिट हो जाता है, ये अलग से नहीं दिखता लेकिन इसमें क्या है ये अलग से लगा हुआ सा दिखता है, तो ये तो ओला ने सही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगली कमी दोस्तों क्या आई थी एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, मुझे लगा था कमी है लेकिन वो कमी नहीं थी। जब मैंने क्या करा, इसकी यहाँ से चार्जिंग हटाई और मैंने इसके अंदर दोस्तों चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद इसमें नॉट कनेक्टेड बताया रखा, मैंने इसका प्लग ऑन नहीं किया था, वो नॉट कनेक्टेड बताया था, मैंने फ़ोन करा और वो मतलब पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई कमी है, तो वो दोस्तों कमी नहीं थी, वो मैंने स्विच ऑन ना किया था, तो दोस्तों वो इतनी मेजर कमी नहीं है। और दोस्तों एक मेजर कमी और है छोटी सी इसमें, चलिए मैं वो बिल्कुल राइड करके दिखा रहा हूँ, सर एक बार मेरे पीछे बैठो आप, देखो मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल रियलिटी दिखा दूँ, जब से मतलब जो कमी आई जब मैं इसको चला रहा था उसके बाद नहीं लगी थी। देखो जैसे मैंने इसे राइड मोड से हटाया तो सर एक बार बैठेंगे आप, देखो और मैं अपना माइक यहाँ पे लेके आता हूँ, जब मैं इसको लेके आया था जब तक तो इसके हैंडल में से कोई आवाज़ नहीं आती थी लेकिन अब हैंडल में देखो, ये देखो चक 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 चक।
तो आपको सुनाई दिया होगा इसके हैंडल में से एक आवाज आती है छोटी सी, टक 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 टक, इस तरह की साउंड आता है। तो दोस्तों एक तो ये साउंड, मतलब खैर ये चीज तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके अंदर दोस्तों यही कुछ मेजर प्रॉब्लम आई थी जो कि यहाँ पे हमें इसके अंदर कमी दिखाई दी। ठीक है, तो यही कमी है और बाकी इसके अंदर दोस्तों ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा हो कि इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम है। बाकी तो ओला ओवरऑल बेस्ट है भाई। अब आ जाता हूँ भाई इसका रियल वो बताता हूँ। जैसे मैं दोस्तों जुपिटर चला रहा था उसमें क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये देखो भाई सच्चाई दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, उससे मेरे इतने एक्सीडेंट हुए। वो 40 की स्पीड पे भी चल रही है ना, उसके मैंने हल्के से ब्रेक मार दिए तो भाई वो स्लिप हो जाती थी। लेकिन भाई इसकी कंफर्ट, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम भाई इतना हैवी है इसका, मतलब जहाँ आप ब्रेक मारो वहीं का वहीं रुक जाते, भाई स्लिप नहीं करती। ये तो इसके अंदर बहुत तगड़ा फीचर दिया हुआ है, मतलब ब्रेकिंग के मामले में तो ओला का सबका बाप है भाई। और सबसे बात देखो, लाइट देखो, लाइट देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, रात को जो लाइट लगती है ना भाई अलग ही लेवल की, मतलब आपको फील होता है। देखो ये देखो, दिन निकला हुआ है वहाँ पे, देखो ये देखो भाई, मतलब लाइट के मामले में तो ओला रात को चलाने के लिए बहुत बेस्ट है। और भाई मैंने जो इससे अब तक जो सेविंग करी है भाई, मैंने इससे बहुत सेविंग कर ली है। मैं इसमें जो, मतलब मैं इसका बिल की बात करी जाए तो भाई मेरा बिल ज़्यादा नहीं आता, 240 से 250 रुपये सिर्फ इसी का ही बिल आता है। मैंने सेपरेट इसका मीटर लगा रखा है, तो इसके बिल की बात करी जाए तो बिल भाई ज़्यादा कुछ नहीं आता। अगर ओवरऑल मैं फाइनली ये बात करूँ कि आपको ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो भाई अगर आप पेट्रोल चला रहे हैं ना, पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं, अगर 100 से 150 किलोमीटर की आपकी राइड है या 50 किलोमीटर की राइड है, भाई एक बार ओला लेकर के देखो, आप इसको चला करके देखो, मतलब आपको अलग ही फीलिंग आएगी कि हाँ भाई, मतलब कुछ आप लग्जरी, जैसे लग्जरी गाड़ी चलाते हैं ना आप, मतलब आरामदायक, कंफर्ट, हर चीज़ में एकदम बेहतरीन। तो भाई वो ओला के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर दे रखा है इसमें, क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आप देखो, ये जैसे आप कोई भी स्पीड पे चला रहे हो तो भाई आपको लगेगा कि जैसे आप, मतलब आपका हाथ थोड़ा गिल्ला हो रहा है या कहीं स्लोप पे भी चढ़ रहे हो, आप क्रूज कंट्रोल करके छोड़ दो, उसी स्पीड पे चलती रहेगी। ये चीज़ बढ़िया है। अब चलने में भाई इसकी हैंडलिंग इतनी गजब है यार, मतलब आपको लगेगा कि आप दोनों हाथ भी छोड़ दोगे ना, आपके स्कूटी गिरेगी नहीं, आपको लगेगा ऐसा, पर गिरेगी नहीं, हकीकत बात है। क्योंकि इसके जो टायर दिए हो ना भाई, इतने मोटे टायर हैं, देखो मेरा पूरा हाथ में आ रहा है, इतने मोटे टायर है यार, मतलब टायर बहुत मोटे मोटे दिए हुए हैं। और इसका जो पहिया है ना, फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों ही सेम साइज के हैं, इसलिए दोस्तों स्लिप नहीं करती है। और इसने स्मार्ट फीचर दे रखे हैं, इतने तो भाई मेरे पास एक कार है उसके अंदर स्मार्ट फीचर नहीं है। मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑटोमेटिक ही बाद में बंद हो जाएगा, लाइट मुड़ूंगा तो राइट का इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसका जो हॉर्न है वो भी एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है। मतलब ओवरऑल मिला करके ये 2-3 कमी सी लगी थी, बाकी तो ओला बेस्ट है। तो भाई मुझे तो जब से मैंने ली है मुझे ऐसी कोई खास मेजर इसमें कमी नजर नहीं आई है, बस थोड़ा सा हैंडल टिक 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 सी हल्की सी फील होता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक डिस्प्ले कभी कभी हैंग हो जाती है तो हम वो रीस्टार्ट करके ठीक कर लेते हैं, बाकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिटी ये है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा, तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।